तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र नरवाल एयरटेल टेलीकॉम की तरफ से फिर से आज आपके साथ में। आज आप मैं आपको बताने वाला हूं कि आईफोन में सॉफ्टवेयर में कौन कौन से टूल मार्केट में भी चल रहे हैं, उनके क्या प्राइस हैं, लेटेस्ट प्राइस मैं आपको अपडेट करने वाला हूं, और उसके साथ मैं आपको बहुत सारे अलग अलग टूल भी आपको आईफोन में बताऊँगा। जो आज मैं टूल बताने वाला हूँ वो सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, मतलब जिनसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं आईफोन का, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो मैंने बोला कि एक वीडियो की मैंने सीरीज चलाई है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि MMC के अडेप्टर जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी कैटेगरीज बताई कि एक UMT MMC अडेप्टर आता है, एक आता है UFI लाइट करके, एक मेडिकल MMC अडेप्टर, एक ZSISP और एक AE टूल, और उसके अलावा भी जो भी आते हैं उनके डोंगल, मैंने आपको कम्प्लीट आपको उसके प्राइस बताए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया मेडिकल बॉक्स, थंडर, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद फिर मैंने बॉक्स की जानकारी दी जिसमें आपको मैंने बहुत सारे बॉक्स के बारे में बताया, उसकी इन्फॉर्मेशन दी। आज मैं आपको आईफोन के रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज यहां पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, सबसे पहले बात वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आपको यहाँ देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। आप हमारे चैनल पे जाकर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा दीजिए, और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट मिलते रहें, और लेटेस्ट न्यूज़ जो मार्केट से रिलेटेड है प्लस मोबाइल रिपेयरिंग के प्रैक्टिकल वीडियो भी, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और MMC से भी रिलेटेड आपको मिलते रहें, प्लस आईफोन से आईफोन के भी रिलेटेड वीडियो हम लोग देते हैं आप लोगों को। बहुत कुछ कंटेंट है, और अगर आपने देखना है तो आपको करना क्या है, अब वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पे हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ अलग से हमारे एसर टेलीकॉम का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं। साथ में एक मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक फिरोज़ हमारे जो टीचर हैं, फिरोज़ टेक्निकल, आप उनके चैनल पे जाके, ये फिरोज़ टेक्निकल उनके चैनल पे भी जाइए और वहाँ उनको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे उनसे रिलेटेड वीडियो। और वो जिस जिस सर अभी लॉकडाउन में वो भी घर पे हैं, और अभी सभी लॉकडाउन में घर पे हैं, हम भी घर पे हैं, तो अभी घर पे बैठ के जितना भी मार्केट से काम आ रहा है वो सब करके वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि आपको डाला जाए। और उसके साथ एक हमारे सॉफ्टवेयर के जो टीचर हैं वो हैं हमारे दुर्गेश सर, उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट टेलीकॉम, और यहाँ पे जाकर आप लिखिए स्मार्ट टेलीकॉम, और वो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और हार्डवेयर से भी रिलेटेड। तो जब भी आप आएंगे एसर टेलीकॉम तो आपको मौका मिलेगा इन लोगों से मिलने का। तो चलिए ठीक है, शुरू करता हूँ मैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले मैं उठाना चाहता हूँ वो डिवाइस जो आमतौर पर सभी यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो वो डिवाइस मैं सबसे पहले उठा दूँ, तो मैं उठा रहा हूँ आई कॉपी को। दोस्तों ये है आई कॉपी, ठीक है, ये काइंडली का आई कॉपी है। बेसिकली इसमें ये दो वर्जन में आता है, एक आता है आई कॉपी और एक आई कॉपी प्लस। यहाँ पर आपको दो मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे, इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बना, इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये है आई कॉपी, मैं इसका पूरा प्रैक्टिकली वीडियो आपको डालने वाला हूँ। अभी तक YouTube में सिर्फ इनके अलावा जिनकी कंपनी है उन्हें काइंडली की जो कंपनी है उनके अलावा इन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ऑब्वियस है उनका प्रोडक्ट है वही तो बताएंगे, पर और कोई ने नहीं बताया। मैं आपको इसकी सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली ये टेस्टिंग पॉइंट क्यों दिए हुए हैं, क्या ISP आपको यहाँ पे करनी है, और बैटरी के साथ अपने क्या क्या काम कर सकते हैं, और यहाँ पर टैपिक इंजन क्या होता है, तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अभी फिलहाल मैं दे देता हूँ ये क्या काम करता है। दोस्तों आई कॉपी बेसिकली आपके डिस्प्ले की फर्मवेयर को रीड करता है, अगर आप डिस्प्ले को चेंज करते हैं ओरिजिनल से कॉपी, तो आपका जो अभी के फोनों में ट्रू टोन करके या जो ओरिजिनल कलर है ऑटो ब्राइटनेस, तो वो जो उसका फंक्शन है वो नहीं मिल पाता है, तो उसकी फर्मवेयर को कॉपी करके हमें अपनी कॉपी वर्जन पे डालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है आई कॉपी। और इसके अंदर आपके बहुत सारे आपको नए एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑलरेडी एक ऐसा डिवाइस आपके हाथ में आया है, जैसे आपके पास आया है आईफोन 8 और ऑलरेडी उसकी स्क्रीन चेंज कर दी गई है और उसको कॉपी वर्जन डाला गया है, अब सामने वाला चाहता है कि मुझे इसका
ओरिजिनल, तो आप इस आई कॉपी के थ्रू उसके फॉर्म से अपना बेसमेंट एप्रोम रीड करके और अपने इस डिवाइस में सेंड कर सकते, और ये डिवाइस सेंड कर देगा आपके डिस्प्ले में, और जिससे आपका डिस्प्ले हो जाएगा रेडी। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों, ये दो प्राइस में आता है, एक आता है आपको मिलेगा 2800 रुपये में जो मिलेगा आई कॉपी, जिसके साथ केवल आएगा डिस्प्ले और टैपिक इंजन और बेसमेंट एप्रोम को रीड करने वाला आपको मदरबोर्ड। अगर आपको चाहिए आई कॉपी प्लस तो ये आपको मिलेगा 3500 रुपए का, जिसके साथ आपको ये बैटरी का अलग से मदरबोर्ड मिलेगा, जिससे आप बैटरी भी आप इसको चेक कर सकते हैं, बैटरी का भी कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बैटरी अनस्टेबल या बैटरी अनयूजेबल इस तरह से कुछ एरर्स आते हैं, उन एरर को दूर करके आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी आई कॉपी खरीदा हुआ है और आपके पास नहीं है आई कॉपी प्लस वाला अडेप्टर, तो आप ये अलग से परचेस कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपको कुछ 550 रुपए के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया आई कॉपी के बारे में, उससे पहले जो मार्केट में क्या चलता था, उसके मार्केट में पहले चलता था आपका जेसी का V1, और सेम चीज जो आई कॉपी करती है वो ही ये करता है, और प्राइस में भी अंतर नहीं है, ये भी कुछ 3000-4000 के आसपास आपको मिलेगा, और इसमें भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है, जिसके आप बैटरी की इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, ट्रू टोन आप वापस ला सकते हैं ऑप्शंस, और अपना एप्रोम रीड रियल डाटा निकालने के लिए, क्योंकि बेसिकली इसमें डिस्प्ले का भी डाटा होता है, टच का भी डाटा होता है, तो ये सारे डाटा आप निकालने के लिए कर सकते हैं। जनरली टच आईडी बदलने के बाद में टच काम करना बंद कर देता है, तो वो भी आप इससे रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इससे भी पहले मार्केट में जो आए थे वो आए थे कुछ इस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट जो है W28 Pro, ये बेसिकली ये भी मैंने परचेस किया हुआ है चाइना से, और डायरेक्ट मैंने बुलवाया था जेट एस मलिक के थ्रू, और इसमें काफ़ी सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब जो मुझे लगता है आई कॉपी उसमें भी नहीं है, इसमें काफ़ी सपोर्ट है, इसमें केबल का भी, यूएसबी केबल का भी सपोर्ट है, ये यूएसबी केबल को भी रीड कर लेता है ओरिजिनल, ये हेडफोन की केबल को भी रीड कर लेता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके साथ में, जैसे कि आप देख रहे हैं डाटा केबल जो नॉर्मली है उसका भी ओरिजिनल रीड कर लेता है, वो काफ़ी अडेप्टर्स के साथ में अलग से आते हैं, और हेडफोन की भी केबल हो गई हैं, ये आपके चार्जिंग को भी स्टेबल लगता है, उसको इन्हेंस कर सकता है, तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, वो उसी को देखकर बनाया है बड़ी कंपनियों ने, जैसे जेसी का V1 और आई कॉपी लेकर आए हैं काइंडली। सो यहाँ पर WL का भी ये सेम प्रोडक्ट है, ये कुछ कंपनियाँ जैसे जेसी एक हो गया, एक काइंडली, एक WL, कुछ बहुत फेमस कंपनियाँ आईफोन की रिपेयरिंग में जो टूल्स बनाती हैं। WL ने भी निकाला V5 LCD लाइट सेंसर वाइब्रेशन रिपेयर, जो कि सेंसेशन सेंसर है, आज की डेट में वाइब्रेटर ना होके एक सेंसेशन सेंसर हो गया है, उसका भी कुछ सीरियल डाटा फर्मवेयर रीड करना पड़ता है, वरना वो वर्क नहीं करता है, सो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा 3999 रुपये का। अगर आप WL खरीदते हैं तो ये भी आपको 4000 के आसपास का मिल जाएगा, ये तो खैर हो गया चाइनीज वर्जन, तो पहले आते थे, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और इसके पहले ये आता था जेसी का V1, ये भी आप खरीद सकते हैं, ये भी कुछ WL के बराबर ही रुपए का आता है, और आई कॉपी सबसे बेस्ट है आज के डेट में, लोग इसी परचेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है, 3 बटन दिए हैं खाली ऑन ऑफ करने के, रीड और राइट करने के, जो कि बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात क्या है इसके साथ, आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा के रीड राइट कर सकते हैं, बट अगर आपका डिस्प्ले लॉस्ट हो चुका है, घूम चुका है, तो आपको इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इसके वेबसाइट पर दिया हुआ है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मिल जाए वो वीडियो। तो ये रहा फिलहाल इसकी इन्फॉर्मेशन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में मैं इप्रोम रीडर की आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों इप्रोम रीडर के बारे में पूरा मैं प्रैक्टिकली नॉलेज आपको फिर कभी दूंगा, फिलहाल इतना बता देता हूँ कि जब भी आप आईफोन के मेन चिप को ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब आप उसको स्वैपिंग जिसको हम नाम दें, सो हमें कस्टमर का डाटा बचाना होता है, तो उसके लिए हमें इप्रोम को रीड करना, लॉजिक इप्रोम जैसे हम बोलें, बेसमेंट इप्रोम को हमको रीड करना होता है, ताकि हम जब उसको स्वैपिंग में दूसरे नए में डालें तो वहाँ उसको राइड कर सकें, ही एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि कस्टमर को डाटा उसका मिल जाए। तो जनरली इसमें मैं आपको बता दूँ कौन कौन से डिवाइस आते हैं, तो जैसे जेसी का एक अडेप्टर ही हो गया जो 8 से 8P को सपोर्ट कर, जैसे कि इसमें बोला है कि आपको चिप निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड को रखना है और ये उसके एप्रोम का डाटा को रीड कर लेगा और उसका बैकअप भी बना लेगा, उसको राइट भी कर लेगा, और इसके अलावा ये 8 और 8P को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 8 के लिए अलग आता है, 8P के लिए अलग आता है, X के लिए अलग आता है, X और XR, XX और XMAX के लिए भी अलग आता है, आपको सिर्फ PCB को मदरबोर्ड को इसके ऊपर रखना है, 6S के लिए भी अलग आता है, SSSP के लिए भी, और 7 और 7P के लिए भी अलग आता है। जैसे आप देख रहे हैं ये सारे हो गए जेसी के प्रोडक्ट,
वैसे ही डब्ल्यू एल का एक प्रोग्राम आता है, ये भी आपका डब्ल्यू एल जैसे एसएस और एसपी बेसमेंट लॉजिक दोनों ही प्रोम को रीड कर लेगा, बंद हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फोन का स्वैपिंग करें तो इस इप्रोम को खास तौर पे आप दिमाग में रखें कि भाई मुझे इस इप्रोम को, जनरली लोग क्या करते हैं दोस्तों इसको क्यों रीड करने की जरूरत पड़ती है, क्यों वो छोटी सी आईसी होती है वो आईसी को निकाल कर लगाने, वो ग्लास आईसी छोटी सी होती है एसडीएस और ग्राउंड के जिनके पॉइंट होते हैं, तो लोग डरते हैं। मतलब बड़े बड़े आईफोन जब देखो आईसीपी पे काम करने वाले इतनी सी आईसी, क्योंकि बेसिकली उस आईसी पर पूरा निर्भर है डाटा, जितना इजी हो जितना इजी मूवमेंट अगर हम कर सकते हैं उस चिप के साथ तो उतना ही करना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर का डाटा पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये डब्ल्यू एल का भी आता है ये, और दोस्तों ये बता दूँ ये कितने का आता है, ये कुछ 6000 से 7000 के बीच में जो प्रोडक्ट है ये आपको मिल जाएगा, एक प्रोम रीडर इसको बोलते हैं, जिसमें आपको जेसी का मिल जाएगा और डब्ल्यू एल का प्रोम रीडर देखने को मिल जाएगा। चलिए तो जैसे कि मैंने बताया एक प्रोम रीडर अलग से लेना पड़ता है आपको प्रोग्रामिंग बॉक्स के अलावा, क्योंकि प्रोग्रामिंग बॉक्स में आपको मिलते हैं एडेप्टर जिसके अंदर आप अपनी नैंड पीसी आई को रख सकते हैं, बट एक प्रोम रीडर अलग से परचेस करना पड़ सकता है। हाँ, आप उसको जम्पर मार के भी जैसे आई एस पी पिन आउट करते हैं वैसे आप उसको जम्पर मार के भी रीड कर सकते हैं अपने आई पी बॉक्स को, ये सारी चीज़ें तो मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग बॉक्स की। अब जैसे आप लोग नए हैं, आप लोग इस फील्ड में आए हैं, आपको पता नहीं है, आपको पता करना है, ऑलरेडी आप इस फील्ड में हैं तो भी ये जानकारी ले लो क्योंकि बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर आई पी बॉक्स अभी वर्जन 2 आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो आपको सॉकेट देखने को मिल रहे होंगे, एक ही अडेप्टर में दो सॉकेट लगे हुए हैं, इनको यू सॉकेट बोलते हैं, एक लगा है आपका नैंड पीसीआई और एक लगा है आपका पीसीआईई फॉर 7 7 प्लस कुछ सपोर्ट करता है यहाँ पर, तो जैसे आपने देखा ना 7 प्लस को यहाँ पर सपोर्ट करता है। अब इसका मार्क अगर मैं इंटरनेशनल रेट बताऊं तो अली एक्सप्रेस में इसका रेट है 24,000 समथिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं 24,605। अगर आप इसका इंडियन वर्जन में आप इसको परचेस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 22,000 रुपये का जेड एक्स मलिक से, और आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं कहीं और से तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप परचेस करने के लिए पूरे के पूरे ओपन है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हीं से करें, हाँ इतना है कि आपको वारंटी में माल मिल जाएगा। ये देखिए ये अडेप्टर है जिसमें आप एक देख रहे होंगे पी सी आई ई और एक देख रहे होंगे नैंड, नैंड मतलब जो 6 और 6 प्लस को सपोर्ट करता है, और पी सी आई ई और पी सी आई ई का मतलब है जो 7 और 6S 7 और 7 प्लस को सपोर्ट करता है, और एप्रोम रीड करने के लिए भी आपको एक अलग से कनेक्टर मिल जाएगा जिससे आप अगर शॉपिंग करते हैं तो एप्रोम को भी आप रीड कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको जम्पर लेना पड़ेगा एप्रोम को रीड करने के लिए, मतलब आपको पी सी बी से जम्पर लेना पड़ेगा और वो जम्पर इस कनेक्टर के थ्रू आपको अपने मदरबोर्ड पे लगाना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रीड और उसका बैकअप बनाकर अपने नए फोन में फिर दोबारा जम्पर लगा कर उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि मैंने बताया आईपी बॉक्स मिल जाएगा आपको 22,000 रुपये का। अब बात करते हैं जेसी प्रो की। तो दोस्तों जेसी प्रो में इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि बता पाना मेरे लिए भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट तो मतलब नॉलेज ही नहीं, क्योंकि इंडिया में सेल ही नहीं है, वो इंटरनेशनल मिलते हैं, तो जो मेन है और जो इंडिया में बिकते हैं और जो लोग जल्दी इसको यूज़ कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये है प्रो 1000S नैंड प्रोग्रामिंग का। अगर आप इसको वैसे भी परचेस करना चाहें तो आप इसको वैसे परचेस कर सकते हैं, ये आपको अगर आपको सिंगल लेना है तो ये आपको पड़ जाएगा 14,000 रुपये के आसपास का, बट ये अकेला लेकर तो कोई फायदा आपका पड़ेगा नहीं। हाँ, बट अगर आपके ऑलरेडी अगर अडेप्टर है तो आप ले सकते हो, भाई आपने किसी से अडेप्टर ले लिया आपने परचेस करना है तो 14,000 का लेने की जरूरत, पूरा पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, आप 14,000 का इसको ले सकते हैं। और इसके साथ में कुछ इस तरह के अडेप्टर्स आते हैं जो कंप्लीट कुछ पैकेज होता है, देखिए इसके साथ आपको एक SD कार्ड देखने को मिल जाएगा और कुछ डाटा, क्योंकि जब आप फर्मवेयर इसे सेव करते हो तो वो बैकअप कहाँ जाता है, वो बैकअप इसी SD कार्ड आपके SD कार्ड में जाके सेव होता है, और एक USB डाटा केबल आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, और इस तरह के कनेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप जैसे नैंड सॉकेट आप देख रहे हैं अपना नैंड आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लाइटिंग पोर्ट आप देख रहे हैं कि कनेक्ट होने पर वो लाइटिंग ब्लिंकिंग करती है, PCIe कनेक्टर मतलब इसको आप प्रो के साथ लगा सकते हैं। तो ये जो कम्प्लीट पैकेज है, कम्प्लीट पैकेज मतलब जो 7 प्लस तक जो आपको सपोर्ट करेगा ये आपको मिलेगा
यहाँ पर 32,000 रुपये का। अगर आप इसके साथ ये अडेप्टर भी ई सॉकेट वाले अडेप्टर भी आप परचेस करेंगे कंप्लीट, तो आपको 32,000 रुपये मतलब 32,000 का ये पड़ जाएगा। और अली एक्सप्रेस की अगर मैं बाहर की बात करूँ तो ये आपको कुछ वही 33,000 या 34,000 का अप्रॉक्स पड़ रहा है। तो ये है आपका जेसी प्रो। बट अगर आप इसमें मान लीजिए जैसे 7 प्लस तक आप बोलते हैं सर मुझे 8-2X भी चाहिए, तो वो आपको अलग से 22,500 का परचेस करना पड़ेगा। और आपको अगर आप जो 8-2S वाले आपको ई सॉकेट चाहिए तो वो अलग से 22,000 का परचेस करना पड़ेगा। और वही 11 के ऊपर भी आपको 22,000 का करीबन वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यह है इसकी कीमत। ये क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, ये टच पैनल इसके साथ दिया हुआ है। इसमें आपको कंप्यूटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक सॉफ्टवेयर है, आप चाहें तो कंप्यूटर भी रीड कर सकते हैं। अगर मान लो पैनल टूट जाए या काम नहीं करे तो आप कंप्यूटर भी रीड कर सकते हैं। सो जनरली आपने अडेप्टर यहाँ लगाना है, और जो आपको एक नैंड का फोटो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो उसको आपको क्लिक करना है। आपको रीड और राइट का ऑप्शन मिलेगा। तो सारी चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल, जैसे आप अपने सारे एरर जो भी फ़ोन में आते हैं जो निकल सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसकी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ। अगर आपको ज्वाइन करना है आईफोन ट्रेनिंग तो आप इसे टेलीकॉम को उसके लिए चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह आपको मैंने इसकी कीमत बता दी है। अब इसके बाद चलते हैं एक और प्रोग्रामर पर। तो तीसरा प्रोग्रामर मैं आपको बताना चाहता हूँ आईफोन में जो आता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था आईपी बॉक्स, जो कि आपको बताया था जिसकी कीमत है मार्केट में आईपी बॉक्स की 22,000 रुपये, जो 7 प्लस तक ही सपोर्ट करता है, उसके ऊपर नहीं। अगर आपको पूरा एक्स तक या उसके ऊपर काम करना है तो जेसी प्रो में आप जा सकते हैं। और उसके बाद ये है WL। सो WL प्रोग्रामर ये आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे जो WL है, अच्छा जो इप्रो में जो जिसे बेस बोर्ड हम जैसे बोले लॉजिक इप्रो रीड कर सकते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट और WL का भी आता है, आप यहाँ पर भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो बेसिकली WL के प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आते हैं, और WL का आपको मिल जाएगा 6-7P जो सपोर्ट करेगा वो मिलेगा आपको 20,500 रुपये का। और जैसे आप देख रहे हैं जो 8 और S तक सपोर्ट करेगा सेम वही आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं 6-7 तक जो आपको सपोर्ट करेगा 7P तक, वो आपको मिल जाएगा 20,500। और उसके बाद 8 और S अगर आपको पता करना है कि कितने का रुपये का आपको मिलेगा, तो आप इसका जानकारी आप ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट, या आप कॉल करके ZS मिलेगी, या आप किसी और को भी कॉल करना चाहते तो उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर WL का एप्रोम रीडर आप लेना चाहते हैं, जैसे आप वही बेसबैंड या लॉजिक को आप एप्रोम को रीड और राइट करना चाहते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 6,500। मतलब एप्रोम की जो कीमत है वो मार्केट में 6,000-7,000 तक घूम रही है, और जो आपके प्रोग्रामर है उसकी कीमत जनरली 20,000 से 25,000 के अंदर आपको मिल जाएगी आसानी से। तो WL तो कौन सा अच्छा रहेगा अगर आप मेरे से पूछें कि आप लें जेसी प्रो या आईपी बॉक्स, तो मुझे लगता है कि जेसी प्रो सबसे बेस्ट है। आप जेसी प्रो के लिए जा सकते हैं। WL भी बहुत अच्छा है, कोई WL में ख़राबी नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों। इसमें कोई EMMC जितना बड़ा फंडा नहीं है कि बहुत बड़ा डंप बैकअप बनाना है, या फिर उसमें उसका हेल्थ इशू भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए ठीक है, तो ये तो रहा प्रोग्रामिंग के बारे में। अब प्रोग्रामिंग के अलग कुछ बात करते हैं, जो जो मैंने सेलेक्ट किए हैं कुछ प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक है आई रिपेयर, मैं इस पर बनाने वाला हूँ बहुत जल्द एक वीडियो आई रिपेयर पे। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको बेसिकली अगर आपको आपका मैक एड्रेस उठाना है, तो मैक एड्रेस उठाना है या उसको आपको रिपेयर करना है, या कुछ एरर आपको निकालने हैं फॉर्मेट करना है, तो आपको चिप निकालने की ज़रूरत नहीं है साहब, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये बॉक्स का कि आ जाए मेरे पास, और जैसे ही मेरे पास आता है, मैंने एक टेस्टिंग के लिए बॉक्स बुलवाया है, जैसे ही मेरे पास आता है मैं इसका करके प्रैक्टिकल आपको जल्दी बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको मुझे करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो बहुत अच्छा है, आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, वाईफाई डाटा, वाईफाई के टाइम पे आप जब वाईफाई चेंज करते हैं तो उसको अनबाउंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है, जो इसकी कीमत मार्केट में है वो 17,000 से 20,000 के बीच में। फिलहाल तो ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पास मिलेगा, क्योंकि जितने भी होंगे पीस बिक गए होंगे। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, स्क्रीन USB केबल के थ्रू लगाते हैं तो कुछ कलर चेंज होते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाऊंगा तो ही मज़ा आएगा। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है जेसी प्रो 1000S NAND का प्रोग्रामर iCloud अनलॉक करने के लिए। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों बाबर टूल पे, आप इनको जाके इसको परचेज कर सकते हैं। 10,000 रुपये का है। और इसमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें जब भी हम उसके iCloud पे काम करते हैं
और जो जेन्युइन होता है, जो हम जेन्युइन काम करते हैं, तो हमें उसका मैक एड्रेस हमें नया डालना होता है। मैक एड्रेस डालने के लिए उसका नेट उठाना पड़ता है, जो कि इसमें उठाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ टेस्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करके बहुत आसानी से आपको यहीं पे आप मैक एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अपने फर्मवेयर को अपग्रेड करके और अपडेट करके आप उसका आईक्लाउड निकाल सकते हैं। तो ये आपके अच्छा खासा काम हो जाएगा आपके आईपैड में। तो इस तरह से ये काम होता है। आपको देखिए, इस तरह से अपना जो मदरबोर्ड है इस तरह से रखना है आपको, और उसके बाद में उसका जो ढक्कन, जैसे हम बोले हैं, या तो उसको शटर बोले हैं, या तो उसको आपको पैक करना है, उसको बंद करना है, क्लिप करना है बॉक्स को, और उसके बाद उसको लगा देना है जेसी प्रो 1000S के साथ, और फिर उसके फर्मवेयर के साथ उसके मैक एड्रेस में आप कर सकते हैं चेंजेस, जो भी सीएल नंबर, ब्लूटूथ, वाईफाई एड्रेस जो होते हैं उसके। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है। आई होप कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। एक मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी कंटेंट उठा लिया है। अभी तक तो इतना मेरा काफ़ी हो चुका है। सॉफ्टवेयर में मैंने लगभग बहुत सारे टूल्स आपको बताए हैं, हार्डवेयर में भी मैं आपको नए नए टूल बताने वाला हूं। तो ये इसका वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, जिसमें मैं पहले एक प्रोडक्ट उठा लेता हूं। तो दोस्तों, ये है कि आप बिना फोन को खोले अपना U2 IC, जिसको टेस्टर या जो iPhone 8 के ऊपर जिसको हाइड्रा IC बुलाते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब जनरली उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि इसको चेक करने के भी अलग अलग डिवाइस आते हैं। मैनुअली 400 रुपये का डिवाइस आता है, जिसको लगा के आप टेस्टिंग पॉइंट के साथ, रिवर्स रीडिंग के साथ उसको चेक कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो एक नॉर्मली केबल का जो कनेक्टर, उसको ऊपर से कट करके आप वहाँ पर भी, आप अगर आपके में वो नॉलेज है या आप लेना चाहते हैं तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। केबल के कनेक्टर को ऊपर कट करके अगर आपको पॉइंट का नॉलेज होगा तो वहाँ से भी आप मल्टीमीटर के जो प्रोब्स रख के आसानी से उसका रीडिंग ले सकते हैं। पर ये कुछ आ गया है नया डिवाइस, आप इसको करना पड़ेगा, इसको सिर्फ चार्जिंग लगा कर उसको करना पड़ेगा। लैट बटन जैसे आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पर एक सीरियल नंबर शो करेगा, एक ECID नंबर शो करेगा, और उसके बाद आपको USB प्लस माइनस UART और एसेसरीज 1 और एसेसरी 2 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर यहाँ पर आता है नल और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती, इसका मतलब आपका U2 मतलब ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है, आपको मतलब उसको करना है चेंज। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि उसके पैड पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसके GR चेक कर लें और उसके जो वोल्टेज हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो खैर आपको होगी। तो इसके बाद भी बहुत सारे टूल्स हैं जो दोस्तों मैं आपको लाता रहूँगा और इसी तरह मैं आपको बताता रहूँगा। आई होप कि आपको कैसा लगा, आप लोग क्या खरीद सकते हैं भी छोटा सा जरूर सुन के जाइएगा। इस वीडियो का बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए मैंने इसको वीडियो के आखिर में रखा है। अगर आपको नहीं है आईफोन का कोई भी नॉलेज, फिर भी आप एक दुकान चलाते हैं जहां आप आईफोन की बैटरी सेल करते हैं, या आप इतना कर लेते हैं कि मैं आईफोन कोई मेरे पास आता है तो उसकी बैटरी चेंज कर देते हैं, आप उसका डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, उसका OCA का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आई कॉपी आप जरूर परचेस करें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। आपका क्या फायदा है इसमें कि अगर आप ये आई कॉपी परचेस करेंगे तो आप कभी भी अगर OCA करते हैं या कोई नया डिस्प्ले आप लगाते हैं तो आपका या तो टच काम करना है या तो बेसिकली आपका जो ट्रू टोन है वो डिसेबल हो सकता है। तो उस टाइम पे आप ये यूज करके कस्टमर से अपने और अच्छे से पैसे आप ले सकते हैं और उसको अच्छा काम दे सकते हैं, वो खुश हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ ये बात, वो देखकर खुश हो जाएगा, वो भी देखेगा कि यार काफ़ी अच्छा अपडेट है बंदा। तो दूसरा, बाकी तो सारे हो गए प्रोग्रामर और प्रॉम रीडर, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप काम करते हैं आईफोन में और ट्रांसपेरेंट का काम करते हैं, स्वैपिंग का काम करते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत है प्रॉम रीडर लेने की। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर कमेंट करके, और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अगर आपको पढ़ना है ऐसा टेलीकॉम में तो सारी जानकारी आपको नीचे दी हुई है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोशिश करें कि कॉल करें, और कॉलिंग टाइम जो है वो 12 बजे से 5 बजे तक है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने की, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर 1 पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे। पर उनका क्या, जो सिर्फ 6 लैग की IC सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या,
तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस, मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप ईएमसी लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा यहाँ पर, दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे Redmi Note 8 Pro की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयाँ हैं, वो सारी सप्लाइयाँ उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जरूर इसी तरह, थैंक यू वेरी मच, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट सर को और फिलो सर को आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.